Let us summarize what all is covered under section 44BB. So section 44BB will apply when either the services are provided or the plant and machinery is on hire for the purposes which are in India, and also in some limited cases if it is outside India. When it is in India, either the amount which is paid or payable in India is covered, even the amount which is paid or payable outside India is covered within the receipts. Lekin jab services provide kari jati hai kis cheez ke liye, for the purpose outside India, then only either the amount received in India is taxable or the amount which is deemed to be received in India is taxable. Section 44BB jo hai, वो ओवरराइड करता है क्या सेक्शन 28-41 को, मतलब जो भी डिडक्शन इन सेक्शंस के बीच में मिलती है बिजनेस इनकम कंप्यूट करने के लिए वो नहीं मिलेंगी. एंड सेक्शन 43 एंड 43A व्हिच शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस. जब भी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं 44BB में, तब ये सब अप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन के लिए ऑप्ट करते हैं, उस केस में ये डिडक्शंस और प्रोविजंस अप्लाई करेंगे. The provisions of section 44BB shall not apply to following income. Section 42, special provision for deductions in case of business for prospecting etc. for mineral oil. यहाँ पर वो कंपनी जिसने फॉरेन कंपनी को हायर किया है वो कवर होती है कि उन लोगों को क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे सेक्शन 42 में. 44BB वहां अप्लाई नहीं करेगा. 44DA स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट. जहां पर सेक्शन 44DA लगता है वहां 44BB नहीं लगता. मतलब अगर कोई इनकम रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है जो कवर्ड है सेक्शन 44DA में, उस सेम इनकम पर 44BB नहीं लगेगा. यानी जो रिसीट्स है दे शुड बी अदर देन दोस विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44DA. टैक्स ऑन डिविडेंड, रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज. अगेन, जो रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 115A में कवर्ड है उनके ऊपर भी 44B नहीं लगता. मतलब अगर किसी रेजिडेंट ने किसी फॉरेन कंपनी को सर्विस के लिए फीस दी, राइट, जो ये सर्विस के लिए फीस पे करी है, मान लीजिए ये एफटीएस है जो सेक्शन 115A में कवर हो जाती है, उस केस में उस इनकम का जो टैक्सेशन है वो 115A में गवर्न्ड होगा, 44BB में नहीं. सेम अगर 44DA में इनकम कवर्ड है वो वहां पे टैक्स होगा, 44BB में नहीं. सेक्शन 293A, पावर टू मेक एग्जेम्पशन एटसेट्रा इन रिलेशन टू पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस फॉर प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन एटसेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल्स. इस केस में भी सेक्शन 44BB नहीं लगेगा. अब यही चीज हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं. कलारी लिमिटेड वॉज एंगेज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17 फॉर विच इट अवेल टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंपनी विच आर कवर्ड एंड टैक्सेबल एट 10% अंडर सेक्शन 115A. वेदर फॉरेन कंपनी कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44BB. जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपने टेक्निकल सर्विसेज ली है जो कवर्ड है सेक्शन 115A में, उनके ऊपर सेक्शन 44BB नहीं एप्लीकेबल होता. टेक्निकल सर्विसेज टैक्सेबल अंडर 115A आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ 44BB. दस फॉरेन कंपनी कैन नॉट ऑप्ट फॉर प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44BB इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज टेक्निकल सर्विसेज. इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूम दैट एफको हैज अ पीई इन इंडिया and such technical services are effectively connected with such PE. Other facts remain unchanged.
whether EFCO can opt for presumptive taxation scheme of section 44BB. अब जो मैंने आपको एक दूसरा सेक्शन बताया था 44DA, 44DA में क्या होता है, मैंने एग्जाम पूछ के आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया था कि मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है जो एक इंडियन कंपनी को कुछ सर्विसेज दे रहा है, इस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में एक पीई है, इस नॉन रेजिडेंट ने मान लीजिए कुछ फी ली है जो टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, एंड दीज टेक्निकल सर्विसेज आर इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पीई. इसका एक डिटेल्ड रूल रेगुलेशन है थ्रू विच यू एक्चुअली आइडेंटिफाई वेदर इट इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पीई और नॉट. सो व्हेन अ नॉन रेजिडेंट इफेक्टिवली रेंडर सम सर्विसेज विच आर कनेक्टेड टू अ पीई इन इंडिया, दिस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 44DA. If the services are covered under section 44DA, they are excluded from the purview of 44BB. Therefore, the foreign company cannot opt for presumptive taxation under section 44BB. Option to claim lower profit under section 44BB. Now, what can happen sometime is that under this section, 10% of the receipts are taxable as income. Suppose एक non-resident था, उसकी $100 की receipts थी. अगर वो 44BB के लिए opt करता, तो उसकी income हो जाती $10 की. और tax हो जाता, मान लीजिए 40% पे applicable है $4. अब non-resident का कहना ये है कि मेरा $4 का tax नहीं बनता, क्योंकि मेरी जो इनकम है इसमें वो 10% नहीं है, 6% है. आप मुझे ये ऑप्शन दे रहे हो, बट अगर मेरी इनकम ही कम है, व्हाई शुड आई गो फॉर दिस ऑप्शन एंड पे हायर टैक्सेस. दिस ऑप्शन इज अवेलेबल विद द नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 44BB. एन एसएससी मे क्लेम लोअर इनकम देन इनकम अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजम्प्टिव टैक्स ऑफ 10%. He can claim lower income, मतलब 6% of 100 यानी $6. Then the income arrived at on the basis of presumptive rate of 10%. 10% के basis पे income कितनी थी? $10. If such assessee keeps and maintains books of accounts under section 44AA2, इस section में जो requirement है कि आपको कौन कौन सी books of accounts रखनी पड़ेंगी, अगर आप वो books of accounts maintain करते हैं and books of account तो maintain कर ही रहे हैं, get them audited and furnishes report of such audit under section 44AB. ये basically आपका tax audit हो गया, मतलब you have to maintain the prescribed books and you have to get a tax audit done. If you satisfy both these conditions, you can claim that you have a lower profit. Now, assessment in cases where assessee's lower income shall be done by the AO under section 143, subsection 3. इस केस में आपने जब रिटर्न फाइल की और टैक्स ऑडिट करवाया है, तो आपका जो असेसमेंट है वो 143(3) में होगा. Assessment in cases where assessee, the word claims is missing over here, claims lower income shall be done by the AO under section 143, subsection 3. Let us look at another example. ICO was engaged in exploration of oil during financial year 16-17. It avails technical services from non-resident individual for a sum of rupees 50 lakh. Such technical services are not taxable under 115A or 44DA. The non-resident wants to declare presumptive income of 4 lakh under section 44BB during financial year 2016-17. Evaluate. अगर कोई इनकम 115A में और 44DA में टैक्सेबल नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर 44BB. लेकिन 44BB में क्या होता है, 10% ऑफ द रिसीट इज कंसिडर्ड एज इनकम. व्हाट इज द सम ही हैज रिसीव्ड? ही हैज रिसीव्ड 50 लाख, राइट? यानी 10% ऑफ 50 लाख यानी 5 लाख रुपए को इनकम ऑफर करनी पड़ेगी, बट उसने तो 4 लाख रुपए ऑफर किए.
अगर आप जितनी इनकम इस सेक्शन में बनती है उससे कम करते हो तो क्या आपके पास ऑप्शन है? यस डेफिनेटली ही कैन डू इट, प्रोवाइडेड वो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ऑडिट करता है सेक्शन 44A(b) में. इन दैट केस ही कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोविजन. नाउ दिस इज जस्ट द मीनिंग ऑफ सम टर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44B(b). हमने कहा था कि आप प्लांट एंड मशीनरी हायर पे दे रहे हैं, तो प्लांट का मीनिंग क्या हुआ? प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ड्रिलिंग यूनिट्स, साइंटिफिक एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ सेट बिजनेस. आप जो ये जितनी भी मशीनरी दे रहे हैं ये बिजनेस कौन सा होना चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग फॉर मिनरल ऑयल्स और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल. अगर उन दोनों के लिए नहीं है देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. मिनरल ऑयल का मतलब क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. अब ये एक नोट, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अर्न बाय नॉन रेजिडेंट शैल बी टैक्सेबल ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44DA और सेक्शन 115A. अगर FTS है तो वो या तो 115A में टैक्सेबल होगी या 44DA में होगी. यहां होगी अगर PE नहीं है, यहां होगी अगर PE है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू विच इट रिलेट्स, मतलब आपका सिर्फ बिजनेस सप्लाई ऑफ मशीनरी का है या सर्विसेज और फैसिलिटीज है मिनरल ऑयल के कनेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम जो है FTS वाली किसी और सेक्शन में चली जाएगी. नहीं, इट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल अंडर दीज टू सेक्शन. देयरफॉर 44BB वुड अप्लाई ओनली फॉर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ टेक्निकल सर्विसेज. अगर टेक्निकल है देन FTS है तो यहाँ फॉल करेगी.